Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. In this video, we are going to talk about a very interesting and beautiful thing. I want to share something with you that I feel the resonance with the most is and I think this is applicable in everyone's lives, you know, because we all want to be successful. We all are trying something. राइट अगर हम जॉब कर रहे हैं तो हमें बिजनेस स्टार्ट करना है. अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो हमें उस बिजनेस को ग्रो करना है. अगर हम कोई ऐसी चीज़ कर रहे हैं जो हमें नहीं पसंद है तो हमें कोई ऐसी चीज़ करनी है जो हमें पसंद है. राइट तो व्हाट वी वांट टू डू इज एक्सपैंड. राइट हम कभी भी किसी एक चीज़ पे रुकते नहीं हैं एंड दैट इज़ लाइफ. राइट वी ऑल वॉन्ट टू ग्रो. वी ऑल वॉन्ट टू गो ऑन न्यू हाइट्स एंड अचीव सक्सेस. So today what I'm going to share with you in this video is very important, is very beautiful, and personally I have applied that in my life. Right? So जब भी हम कोई चीज़ अचीव करना चाहते हैं, कुछ कर रहे हैं, हम एफर्ट्स ले रहे हैं, तब हम उस एफर्ट्स को काउंट करते हैं कि हाँ मैंने ये चीज़ करी. दिस इज द थिंग दैट आई हैव ट्राइड. आई हैव फेल्ड इन दिस बिकॉज ऑफ एक्स वाई जी रीजन एंड वो चीज़ अचीव नहीं कर पाया मैं. राइट आई कुड नॉट अचीव दैट एंड वी काउंट दैट एंड वी जस्ट ट्राई समथिंग एल्स. वी जस्ट आफ्टर सम टाइम वी आर अगेन बैक टू दैट आइडिया दैट दिस इज व्हाट आई वांट टू अचीव. पिछली बार ये करी थी चीज़ें, लेट्स ट्राई अगेन एंड यू मेक एन एफर्ट अगेन एंड प्रोबेबली यू फेल. राइट बिकॉज ऑफ अगेन सम रीजन, सम रैंडम रीजन. इट कुड बी एनी थिंग. इट कुड बी योर मेथड कुड बी रॉन्ग. योर एटीट्यूड कुड बी रॉन्ग. Anything, ठीक है. And you count that effort again. That two times I've tried, but I failed. And I'm trying my best. I'm doing everything, but still I'm not being successful at this. So दो बार आप फेल हुए. At third time again you make some mistakes and you count that effort again. That three times I have done something and I'm still not able to achieve it. What's wrong with me? What's happening? I'm not a successful guy. I can't, you know, be a success. I'm a failure and I don't have enough resources. I don't know what to do. I'm confused and things like that. You start that negative talk to yourself, right? Because you tell your mind that you've tried enough of the times and you are not able to achieve it. So probably it's impossible to achieve, right? Whatever it is, paisa, job, you know, relationship, name, fame, whatever it could be. So you start training yourself in the negative way that I can't do it. So what I want to share with you in this video today is very important, is very beautiful. वो एक ऐसी advice है जो I think आपकी life change कर सकती है. Right? And वो advice है कि अपने आप को forgive करना start कर दो. कितनी भी बार आपने ट्राई करी हैं चीज़ें, कोई भी चीज़ें आपने एफर्ट्स लगाए हैं, आपने मेहनत करी है, वो चीज़ें नहीं हुई है, आप जैसा रिजल्ट चाहते थे वैसा आपको नहीं मिला है, इवन दो आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है. फर्गिव योर सेल्फ बिकॉज हम उन चीज़ों को काउंट करते हैं, उन चीज़ों को होल्ड करने लग जाते हैं कि हाँ ये ऐसा हुआ है तो अब मैं ये चीज़ अचीव नहीं कर पाऊँगा लाइफ में, या मेरे से अब ये नहीं होने वाला है. हम अपने आप को होल्ड कर लेते हैं, ग्रजेस होल्ड कर लेते हैं अपने अगेंस्ट कि यार मेरे से ये नहीं हुआ, मेरे से ये नहीं होने वाला. राइट और मैं इतना नहीं हूँ कैपेबल, या यू नो, सारी नेगेटिव चीज़ें हम अपने दिमाग में अपने आप को बताने लग जाते हैं, विच इज़ नॉट राइट. ठीक है तो यहाँ पे एक ही एडवाइस है आप सबके लिए. मैं खुद इस चीज़ को फॉलो करता हूँ क्योंकि बहुत बार मेरी लाइफ में भी ऐसा हुआ है कि मैं एफर्ट्स ले रहा हूँ एक साल से, दो साल से, आई एम स्टिल नॉट एबल टू डू इट. आई एम नॉट, यू नो, taking right action, I'm not in the right mindset and I'm making efforts and then I'm counting it. कि यार मैंने ये किया, इतना किया, बट मेरे से नहीं हुआ, मैं अभी भी सक्सेस नहीं मिला है मुझे. सो वो चीज़ें आपको रोक देती है. जब आप अपने आप को नेगेटिव टॉक देते हो, वो चीज़ें आपको वहीं पर रोक देती है. राइट दुनिया में कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है. सो इफ यू आर टेकिंग राइट एक्शन विद राइट माइंड सेट, यू कैन बी सक्सेस. राइट सो यही एक चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहता हूँ कि स्टार्ट फॉरगिविंग योर सेल्फ. इट्स ओके आप दो साल से कर रहे हो ट्राई, तीन साल से कर रहे हो नहीं हुआ, इट्स ओके. देर आर डिफरेंट वेज, देर आर डिफरेंट अप्रोचेस थ्रू विच यू कैन अचीव सक्सेस.
सो दैट इज द ओनली थिंग कि आपको अपने आप को बताना है कि इट्स ओके टू फेल, इट्स ओके टू मेक एन एफर्ट एंड लेट इट गो वेस्ट. इट्स नॉट बेसिकली वेस्ट, इट्स जस्ट अ फीडबैक. इट्स समथिंग दैट यू नो दैट इज नॉट वर्किंग फॉर यू, राइट? सो मेक श्योर दैट यू आर ऑन द राइट पाथ विद द राइट माइंड सेट. इवन दो यू आर नॉट गेटिंग सक्सेस, टेल यूर सेल्फ दैट यू आर फॉरगिविंग यूर सेल्फ, यू आर नॉट होल्डिंग ग्रजेस अगेंस्ट यू, एंड जस्ट लव यूर सेल्फ, कीप ट्राइंग, कीप हसलिंग, एंड जस्ट जस्ट कीप ग्रोइंग. एंड टेल मी वॉट डू यू फील अबाउट वट आई हैव शेयर विथ यू इन दिस वीडियो. एंड इफ देर इज एनी थिंग दैट यू वॉन्ट शेयर विद मी, यू कैन जस्ट कॉमेंट डाउन बिलो दिस वीडियो एंड आई बी हैप्पी टू रिप्लाई. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.